नमस्कार साथियों, यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित हो रहे यूजीसी नेट दिसंबर 2018 की एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि आपके द्वारा यदि विदाउट डेट और टाइम के फोटोग्राफ अपलोड किए हुए हैं या वाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ आपने अपलोड नहीं किया है तो आपके एप्लीकेशन को उसी स्वरूप में एक्सेप्टेड किया जा रहा है और एप्लीकेशन फार्म को जो है रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। इन मामले में किस मामले में यदि डेट और टाइम के बिना फोटोग्राफ अपलोड किए हैं या वाइट बैकग्राउंड के बिना फोटोग्राफ अपलोड किए हुए हैं तो आपको इस बार इसी स्वरूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये नोटिस अभी दिया हुआ है। फिर कह रहा है द एप्लीकेशन फार विल नॉट बी रिजेक्टेड इन द केस इफ देयर इज एनी डिस्क्रेपेंसी फाउंड इन द इमेजेस। यदि इमेजेस में ऐसा कोई विवादित चीज़ें पाया जाता है, अविश्वसनीय पाया जाता है, तब आपको जो है एक मैसेज भेजा जाएगा कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। यदि कोई इमेज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट दिखाई दे रहा है, मतलब संदिग्धता दिखाई दे रहा है, तब ऐसे स्थिति में कैंडिडेट के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें उनको मैसेज भेजा जाएगा और लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू करेक्ट द इमेजेस इन देयर लॉगिन। और इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा सही लिंक भेजा जाएगा जिसके माध्यम से आपको जो है इमेज में करेक्शन करना होगा, मतलब उनके लॉगिन में इमेजेस को जो है करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि जो कैंडिडेट विदाउट डेट और टाइम के और वाइट बैकग्राउंड के फोटोग्राफ अपलोड किए हुए हैं तो उनको सेम टू सेम जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है इस बार और एप्लीकेशन फार्म को जो है रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा यदि कोई अविश्वसनीय फोटोग्राफ पाया जाता है तो कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक मैसेज जाएगा जिनका, इसके अलावा लिंक भी भेजा जाएगा जिसके माध्यम से वो खुद इमेज को जो है करेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट आर फर्दर इन्फॉर्म, आगे जब कैंडिडेट को सूचना दिया जाएगा तब इमेज और सिग्नेचर करेक्शन वुड रिमेन एक्टिव टिल 11:50 PM 13th October 2018। करेक्शन इन दिस टू फील्ड कैन बी मेड ऑन आर बिफोर दिस डेट। मतलब कह रहा है कि आगे ये भी जानकारी दिया रहा है कि जो सिग्नेचर करेक्शन इमेज और सिग्नेचर करेक्शन लिंक जिनको भी प्राप्त होगा वो कैंडिडेट 30 अक्टूबर 2018 के 11:50 PM यानी कि रात्रि 11:30 तक वो करेक्शन कर सकेगा। करेक्शन इज दिस टू फील्ड, मतलब यही दो फील्ड खुला रहेगा, सिग्नेचर वाला पार्ट और करेक्शन वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट को जो है वो करेक्शन करेगा और इसके पहले करेक्शन करना पड़ेगा तभी जाकर जो है जो जिनका भी फोटोग्राफ में डिस्क्रिपेंसी पाया गया है, अविश्वसनीयता पाया गया है, तो उनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अन्यथा स्थिति में निरस्त की कहीं चांसेस नहीं है। देखिए, यदि आपके पास में कोई मैसेज प्राप्त हो रहा है तभी आपको जो है इसमें करेक्शन करना है, अन्यथा स्थिति में आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है, इसलिए ये समाचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, क्योंकि पहली बार ये यूजीसी नेट दिसंबर 2018 आयोजित कर रहा है, उन्हें इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, हालांकि अनुभव व्यक्ति को ही वहां पर बिठाया गया है, इसके बावजूद भी उनके द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन देने में दिक्कतें हुई होगी या उन्होंने सही जानकारी नहीं दिया होगा जिसके कारण से कैंडिडेट जो है अपने फोटोग्राफ में डेट और टाइम उन्होंने अंकित नहीं कराया, साथ ही साथ वाइट बैकग्राउंड भी नहीं रखा था, जिसके कारण से पिछले बार एक नोटिस जारी किया गया था कि आप जो है जल्दी से जल्दी ये दो काम कर लें, खुला हुआ है, 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने 14 अक्टूबर के पहले
लॉगिन किया, लेकिन ये जो जो दोनों फील्ड है वो ओपन नहीं हुआ था, जिसके कारण से करेक्शन नहीं हो पाया। अब दूसरी बार इन्होंने जो है ऐसा नोटिस जारी किया है जिसमें से कह रहा है कि आप यदि मान लीजिए डेट और टाइम फोटोग्राफ में नहीं अंकित किया है या वाइट बैकग्राउंड नहीं अपलोड किया हुआ है, उनको इस बार छूट दे रहा है और जिस स्वरूप में आपने डाला हुआ है उसी स्वरूप में एक्सेप्टेड किया जा रहा है और आपके एप्लीकेशन फार्म को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। और उन विद्यार्थियों को जिनका फोटोग्राफ में कहीं संदिग्धता है, तब ऐसे स्थिति में उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें वो सूचना दी जाएगी ताकि वो करेक्शन कर सके। और करेक्शन की जो अवधि दी गई है वो 30 अक्टूबर 2018 के रात्रि 11:30 बजे तक का समय है। वो दोनों फील्ड को अपने आईडी में जो भी आईडी है उस आईडी को दे और लॉगिन करें, और उसके बाद में केवल दो ही फील्ड ही करेक्शन हो सकता है। कौन कौन सा फील्ड? एक तो फोटोग्राफ वाला फील्ड और एक दूसरा जो है सिग्नेचर वाला फील्ड ही खुला रहेगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ें वो करेक्शन नहीं कर सकेगा। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, इसमें आप खुद स्वयं यहाँ पर इस वेबसाइट में जाकर NTANET.NIC.IN में जाइए और ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके नीचे जो नोट लिखा हुआ है उस नोट को पढ़िए और उसके हिसाब से आप जो है अपना सुनिश्चित हो जाइए। यही हमारा इन्फॉर्मेशन देने का उद्देश्य था और कुछ नहीं। हालांकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात आपने जो है इतनी लंबी बना दिया है, लेकिन ठीक है, लंबी हमने नहीं बनाया बल्कि स्पष्ट करने की कोशिश किया है। हमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमारा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि छोटे से छोटे समय में, कम से कम समय में सारी बातें आ जाए। लेकिन किसी को कन्फ्यूजन में रखना भी, मिसगाइड करना भी गलत बात होता है, तो इसलिए हमारा चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स जो है वो विश्वसनीय चैनल है, कभी भी मिसगाइड करने की कोशिश नहीं किया है और न भविष्य में करेगा। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, आपके उपयोगी जो भी साबित हो, उसको हम वीडियो बनाकर जो अपलोड करेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे चैनल को इसी तरह से आप प्यार दुलार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, ताकि ये हमारा चैनल फले फूले। और आपके आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है, आपका आशीर्वाद इस तरह से बना रहे, आपकी शुभकांक्षा जो है इस तरह से प्राप्त होता रहे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में आज इतना ही। थैंक यू।